आम सहित रहिबे भवानी पाटनारू बीजेडी युवनेता निहारंजन मिश्र आम सहित अच्छा बीजेपी मुखपात्र श्री अनिल विश्वाल और आम सहित अच्छा कटकु युव आईनजीवी विराजत कुमार मिश्र आप समस्त को स्वागत करुच्छ अनिल ये डिबेट आपंठ आरंभ करने चाहिए सब डुप्लिकेट आज्ञा ये सब डुप्लिकेट आ फर्जरी सर्टिफिकेट एवं सीबीआई एंट्री जदि हुए तो धड़धड़ है छाती जे मुखा खोली जापे अनिल देखो राज्य में गोटे डुप्लिकेट सरकार चली गोटे विभाग भी डुप्लिकेट ये 5T विभाग ये विभाग टा मत डुप्लिकेट बोली विधानसभा बेले जना पड़ला आपड़ देखिथे औषध डुप्लिकेट सॉस डुप्लिकेट बहुत नकर रत्नभंडार चाबी डुप्लिकेट बाहर था ये सबूप आम जो सर्टिफिकेट डुप्लिकेट कथा भावुँ यहाँ गोटे अत्यंत संवेदनशील प्रसंग और देखो जो गोटे पिला मेधावी पिलाटे परिश्रम कर पाठ पढ़ किंतु तार हकटा मिलवाक सरकारी चाकरीटा जे डुप्लिकेट सर्टिफिकेट किसी पैसा देक नहींजो आर अधिकार जड़े नहींजो आम तो धन्यवाद देवा पड़ो डाक विभाग को जी यही दुर्नीतिर पूरा पर्दाफाश कले एवं ये सर्टिफिकेट्र गुमर खोलू खोलू आज अनेक कथा किसी आसला दुर्गाचित भाई एवं जदि सीबीआई डाक विभाग जो रेकमेंडेशन अच्छी से अनुसार जब सीबीआई इन्वेस्टिगेशन कर ए घटना रे विजु जनता दल एवं सरकार को केते केते बड़ बड़बड़िया मुखा फिटबो एटा ही होची प्रसंग आपण ये घटनार व्यापकता को देखु ये जो मनोज बाबू सर्टिफिकेट करूथिले जहाँ विभिन्न गणमाध्यम बाहरी ये कौटे 12,000 रु अधिक सर्टिफिकेट प्रस्तुत करके बिकी आपण भावंतु 12,000 पिला से प्राय जो मैंने सर्टिफिकेट नहीं जहाँ गणमाध्यम बाहर समस्ते मुख्यतः शिक्षक निजुक्ति ओ विभिन्न जिला स्तर में होता निजुक्ति इत्यादि इत्यादि सरकारी निजुक्ति मैंने चाकरी पाई ताने ये सर्टिफिकेट सरकारी निजुक्ति जो हुए गोटे प्रक्रिया थाए सर्टिफिकेट प्रथम रिटिन एग्जाम हो सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन हो तो प्रश्न हूँ कौ मैने सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन बेले डुप्लिकेट सर्टिफिकेट को पास कराइले अलाउ कले से पाखे ये जो क्राइम ब्रांच वर्तमान इन्वेस्टिगेशन करूला से केवे भी पहुंची पार ना एवं ए दुर्नीतिटा केवल डाक विभाग नुहे डाक विभाग घटना तो सीबीआई आसवर गोटे संभावना अच्छी किंतु जो 12,000 सर्टिफिकेट रु जो गुड़िक राज्य सरकार को अन्य विभाग जथा शिक्षा पुलिस कनेस्टेबल रेवेन्यू डिपार्टमेंट जूनियर रेवेन्यू आसीस्टांट एवं ए जो रिक्रुटमेंट गुड़िक जो जाल सर्टिफिकेट व्यवहार होती यार सीबीआई तदंत होगा दरकार सेटा केत हम से राज्य सरकार जाल सर्टिफिकेट पूरा दुर्नीति को जी क्राइम सीबीआई को दे दिखती क्राइम ब्रांच क्राइम को घंट घोड़ी क्राइम ब्रांच और तार बहुत एग्जांपल अच्छी ये जो मैंने पैनल अच्छा समस्ते जानते राज्यवासी जानते क्राइम ब्रांच केमती घंट घोड़ाए आम सहित अच्छा रजत कुमार मिश्र युव आईनजीवी रजत बाबू आपण भी विभिन्न कंपिटेटिव दौथे आपंकर सांगसाथी मैंने भी पोस्टाल एग्जाम देखे विभिन्न एग्जाम दौथे टीचरशिप करुवे से हूं तो फेलियर होते जो पाखे मेधा अच्छी जो मैंने डिजर्व करती कि फेक सर्टिफिकेट दे कि मार्क बेसिस पाई जाऊँगी ये सब फेक ये जो माने मेधावी छात्र ये गालरे ये धोखा ये प्रतारणा एवं 10 वर्ष धरी केमती चलुची राजत बाबू निश्चय देखो आम जी एटा देखिबा ए जो घटनाटा एटा आजिरो नुआ नुहे आगर भी आपण लक्ष्य करथिबे निश्चय भावरे आगर भी एमती जिनस हेची जोटा कि दृष्टिगोचर को आसी तो देखिबे आपण जदि गोटे जिनस लक्ष्य करिवे एठी जो प्रोएक्टिव स्टेप टी नेले जोटा कि आम जी देखा सेमती भी मानने जड़े जी एटा निजर व्यक्तिगत हिसाब से पचारे आप लिखतु जे आप कौटू पढ़ी किटा स्पेलींग लिखा को कही तो सेठू जना पड़ा जे ये पिला प्रकृत योग्यता ना कि देखो ये जो जिनसा जी सी नक ताल हे तो ये घटना चापी जाता बात सी भाभी था गोटे बहुत बड़ कथ कहीं मुह खोल तो निजे माने देखंतु जे सरकारी कर्मचारी से माने देखंतु से निजे ही जी कह आम श्रेय तांकु दबा जे भी जे से डाकघर में जे भी मुख्य थिले तो सी देखंतु से जो प्रोएक्टिव स्टेप टी नेले से जिनसटा बा रिएक्टिव भी आम कही परिबा रिएक्शन टू दैट तो यही सब जिनस देखंतु कोठी ना कोठी आम सब देखा जे आम मानक ही करवाक पड़ो सीबीआई तो परे बा अन्य माने तो निश्चित भाव में जो मैंने संस्कारक अच्छा बा एक्टिविस्ट अच्छा से माने तो निश्चित मुह खोल बा राजनैतिक एंगल रू भी देखिले निश्चित भाव में विरोधी से मानकर भी मानने से दबाव देवे कितु प्रकृत जी लक्ष्य करवा साधुवाद दबा से अफिसर जी थे इनचार्ज जी थे सी जो आक्शन टी ने से जी सब विभाग रज्ञा देखूँ जी भी बीओ अच्छा ब्लक एजुकेशन अफिसर हूँ डीओ हूँ बा माने कहीं उपरको आम जब जी बहुत तल लेवल भी जो माने भी अच्छा जो माने ऑफिशियल अच्छा से माने भाविबा दरकार दफ्तर से माने होती 5T बा मुख्यमंत्री आपण मु 5T से कहली
जे सबुले भावंती जे एई मानको पाखरे पावर अछि जे पावर प्रकृत रे आपनको संविधान दैछि बा आपनको पदवी रे सेटा रहिछि त सेरु देखंतु सेई जो जिंस को लेके देखिबा निश्चित भाबरे आगुरु प्रतारित हेइछंती एबे गोटे रेस देखंतु सेठी गोटे आउ गोटे भी फ्लॉज रहिछि वर्तमान देखंतु जो भली भाबरे परीक्षा होउछि विभिन्न राज्य को जदि आपे कंपेयर करी देखिबा बा विभिन्न जिला तार तालमेल रहु नाही बिहार रो अवस्था आपण जानिथिबे अन्य मानन कथा भी जानिथिबे त सेइत पई जदि मु कहिबी सेई आस्पेक्ट रु जदि आमे देखिबा एटा निश्चित भाबरे मु एइत कहिबी गोटे जिंस जे एग्जाम जेहेतु ठीक भाबरे होउ नाही बा मार्किंग रो माने इवैल्यूएशन रो जो प्रोसेस दे देखिबा ता देरे कोनोसी ना कोनोसी प्रकार रे तारतम्य रहू नाही तेणु ए प्रकार समय रे निश्चित भाबरे मार्क को बेसिस करिकी आमे नियुक्ति न दे निश्चित भाबरे गोटे कॉमन एंट्रेंस जो भली भाबरे अन्य सब परीक्षा होची सेई भला कराइबार आवश्यकता कॉमन एंट्रेंस आवश्यकता होची ओके मु आसीबी निहार रंजन मिश्रा हम सहित होइछन बीजेडी युवा नेता निहार बाबू सीबीआई तदंत हवा दरकार सीबीआई एंट्री हेले सत सामना को आसीबो पूरा रैकेट रो पर्दाफाश हबो नियार बाबू ऐसी और क्राइम ब्रांच गोटे संस्था जे की ठीक जिंस पदा को आनिबो आमे वर्तमान सरकार गोटे जिंस को पंखानुपुंख भाबे तदंत करचोंती आदि पर जणा पड़ नथिला वर्तमान जदि किछि जणा पड़ किछि जिंस जे नै किछि जाल सर्टिफिकेट दे कि किछि चाकरी करचोंती किछि युवा चाकरी करचोंती बा करि आछोंती तो सेटा कोन वर्तमान स्टेज जणा पड़ी तो आगु को से जिंस आमे इंक्वायरी चली कि जो पर्यंत इंक्वायरी न सरिछि आमे काहे कि भाबीबा जे नै ए जिंसटा हेइनी प्रॉपर क्राइम ब्रांच नेर बाबू सेटा मु कि आपण कि अनिल बाबू भाबु नांती सेटा महा डाकपड़ भाबिछंती सेटा मु भाबुनी कि अनिल बाबू भाबु नांती कि रजत बाबू भाबु नांती कि आपण भाबु नांती सेटा महा डाकपड़ भाबी कि चिट्ठी लिखिछंती चिट्ठीटा मु लेखिनी आज्ञा आज्ञा नै ठीक ठीक नाही ठीक ए जिनस आपण जोटा कहउछन मु सेतिर सहमत काहेकि आमे तदंत हबा जरूरी तदंत हबा जरूरी आज्ञा ओके रजत बाबू आज्ञा मु आसीबि निहार बाबू ए कथा आसुछि जे आपण जो कथा कहउछन तदंत हेले ही गोटे जिनस सत सामना को आसु तदंत गोविंदर तदंत पा क्राइम ब्रांच करूछि कोडे गला तदंत के जानि परलेनि नवदास को हत्यार पा तदंत करूछि क्राइम ब्रांच कारण एपर्यंत जना पड़लानि लोकंकर विश्वास नहीं बहुत परी पीहू टू आरंभ करिकि बेबिना टू आरंभ करि बहुत केस क्राइम ब्रांच किछि रिजल्ट होनी लोकंकर विश्वास नहीं नहीं लोकंकर लोकंक विश्वास रखा पड़ो केमिति विश्वास रहा जो परिवार विश्वास करेंगे ट्रैक रेकर्ड दे क्राइम ब्रांच रोडा कन्विक्शन रेट मात्र विश्वास रखे दल असुविधा कौन अच्छी क्राइम ब्रांच जो कह सी असुविधा कौन अच्छी निहार बाबू असुविधा किसी ना कि गोटे तदंत संस्था जी की बर्तमान तदंत करुची तार तदंत पुंगानुपुंग भितर न पशिला पर्यंत आम के आगु कहीदे क्राइम ब्रांच बहुत केस अच्छी आपको एग्जांपल देली सब किए दस वर्ष बारह वर्ष केस निहार बाबू मु आपको एग्जांपल देली बारह वर्ष चौदह वर्ष केस पर्यंत तदंत शेष नई कहूँ क्राइम ब्रांच को तदंत पूरा क्लीन क्लीन कर सारे जो से किसी रिजल्ट देनी पुलिस भी दस वर्ष जान पार्लानी बलांगीर पुलिस जान पार्लानी क्राइम ब्रांच समस्त विश्वास रखिए जे नवदास को हत्याकांडर मध्य दुई मास रो अधिक दिन हेलाणी ए हत्याकांडर मोटिव आज पर्यंत क्राइम ब्रांच स्पष्ट करि पारलाणी वो पूरा दस वर्ष रे क्राइम ब्रांच जो 250 टी मामला ताको राज्य सरकार देथिले सेत्रु मात्र 10 टी मामला रे दंडविधान कला एवं ए जो फेक सर्टिफिकेट रो जो सिंडिकेट अछि ए सिंडिकेट रे एते बड़ा बड़ा हाई प्रोफाइल लोक अछंती विजु जनता दल रो मंत्री पूर्वतन मंत्री तांकर संगठन संपादक एवं बहुत बड़ा बड़ा कोचिंग सेंटर केवल से नुहे ए सर्टिफिकेट रो लिंक मध्य राज्य बाहर अछि
ଏବଂ ଯେହେତୁ କ୍ରାଇମ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚର ଆଉ କ୍ରେଡିବିଲିଟି ନାହିଁ, କ୍ରାଇମ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚର ଟ୍ରାକ୍ ରେକର୍ଡ ଉପରେ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କର ସନ୍ଦେହ ଅଛି, ତେଣୁ ଏ ଘଟଣା ସିବିଆଇ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ଇନଭେଷ୍ଟିଗେଟିଂ ଏଜେନ୍ସି ଯାହାର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରିବାର ସ୍କୋପ୍ ଅଛି। କାରଣ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଏ ଘଟଣାରେ ଯଦିଓ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଛପୁଛି ଯେ ଏ ରାକେଟ୍ର ଲିଙ୍କ୍ ବାହାର ରାଜ୍ୟ ସହିତ ଅଛି, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ରାଇମ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚ ବାହାର ରାଜ୍ୟ ଗଲା ନାହିଁ। ଏବଂ ଯେଉଁ ସାତ ଜଣ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନେ କେବଳ ବଲାଙ୍ଗୀର ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା, କ୍ରାଇମ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଯେଉଁଦିନ ଏ ଘଟଣାକୁ ନେଲା ସେବେଠାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ଦଳର ସଂଗଠନ ସମ୍ପାଦକଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ସବୁ ନେତାଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି, ଏ କଥା ମୁଖପାତ୍ର ବିଜେପିର କହୁଛନ୍ତି। ଉତ୍ତର ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଦଳର ବଡ଼ ବଡ଼ ନେତା ଅଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ କ୍ରାଇମ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଉଛି। ଅଭିଯୋଗ ଅଭିଯୋଗଟା କରିଦେବାଟା ଆଉ ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରମାଣ ହେବା ଭିତରେ ବହୁତ ଡିଫରେନ୍ସ। ପ୍ରମାଣ କିଏ କରିବ? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ଅଭିଯୋଗ ଆସିବା ଆଉ ଅଭିଯୋଗ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ରାକେଟକୁ କେଉଁମାନେ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ କ୍ରାଇମ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚ କେବେ ବି ପହଞ୍ଚିପାରିନଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଡାକ ବିଭାଗକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାକୁ ପଡିବ ଯଦି ସିବିଆଇ ହିଁ ରଜତ, ଆପଣଙ୍କ ରିଆକ୍ସନ ହେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। କ୍ରାଇମ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଆଉ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସର କ୍ରେଡିବିଲିଟି ନେଇକି ଏଇଥିପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି ଯେ କେବଳ କେସ୍ ଷ୍ଟଡି ନୁହଁ, ନ୍ୟାସନାଲ କ୍ରାଇମ୍ ରେକର୍ଡ ବ୍ୟୁରୋର ତଥ୍ୟ କହୁଛି ଯେ କନଭିକ୍ସନ ରେଟ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ମାତ୍ର 5.7% ଏବଂ ବିଧାନସଭାର ଉତ୍ତର କହୁଛି ଯାହା ଅନିଲ କହୁଥିଲେ ଯେ 299 କେସ୍ରେ ମାତ୍ର 10-12 କନଭିକ୍ସନ ହେଇଛି, ବାକି ଫାଇନାଲ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ବି ଫାଇନାଲ ହେଇନି, ତ ବିଶ୍ୱାସ କେମିତି ରହିବ ଲୋକଙ୍କର? ନାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ, ଆମେ ଯଦି କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି, ଯଦି ଆମେ ଏ ପଲିଟିକାଲ ହେଇକି ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ସିଏ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ଯେଉଁଟା କହୁଛନ୍ତି ତା ଭିତରେ ଯଥାର୍ଥତା ରହିଛି। ପ୍ରଥମ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ କଥା କହିଲେ ଆପଣ କ୍ରାଇମ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚ, ଇଏ ସମୟ ଚାଲିଥିବ ଏତେ ଜଲ୍ଦି କେମିତି ହେବ? ସେଇ ଯେଉଁ ପ୍ରଥାଟା ରହିଆସିଛି ଯେ ତା ପାଇଁ କୌଣସି ମାନେ ସମୟର ପ୍ରତିବନ୍ଧତା ନାହିଁ, ତ ତେଣୁ ସେ କ୍ରାଇମ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚ ହଉ ବା ସିବିଆଇ ହଉ, ଏଇ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ମିଶନ ମୋଡ଼ରେ ରହିବା ବା କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ ଟୁ ଇଚ୍ ଅଦର, ଦୁଇ ଜଣ ମିଶିକି ଯଦି ଚାହାନ୍ତେ ଯେ ନାହିଁ ଏଇଟା ଯେହେତୁ ଇଣ୍ଟରଷ୍ଟେଟ୍ ବି ହେଇଗଲାଣି, ତ ଡେଫିନେଟଲି ସିବିଆଇ ପାଖରେ ଭଲ ମାନେ କ'ଣ କହିବି, ଯେଉଁ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରାଲ ଅନ୍ୟ ସବୁ ସପୋର୍ଟ ରହିଛି, ତ ଏଇଟାକୁ ଯେଉଁ ସିବିଆଇକୁ ବିରୋଧ କରିବା ବା ଆମେ ଆମେ ଦକ୍ଷ ବୋଲି କହିକି ନିଜେ ଡିଣ୍ଡିମ ପିଟିଲେ କିଛି ହେବ ନାହିଁ, ବା କ୍ରାଇମ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚକୁ ଆମେ କହିବା ଯେ ନାହିଁ ତାଙ୍କର କୌଣସି କ୍ରେଡିବିଲିଟି ନାହିଁ, ସେଇଟା ବି ଭୁଲ ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ହେଉଛି କ୍ରେଡିବିଲିଟି ଆଜ୍ଞା ସଂସ୍ଥାକୁ ନେଇକି ନୁହେଁ, ମୁଁ କହିବି ଆମର ୱିଲ୍ ପାୱାର, ଆମର ଯେଉଁ ପଲିଟିକାଲ ୱିଲ୍ ପାୱାର, ଆଉ ସେଠି ତ ମୁଁ କହିବି ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ଦର୍ଶକ ମାନେ ମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବି ମୁଁ ମାନେ କ୍ରେଡିବିଲିଟି ନେଇକି ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି ଯେ ତଥ୍ୟ ହିଁ କହୁଛି, ବିଧାନସଭାର ଉତ୍ତର କହୁଛି ଯଦି 10 ବର୍ଷରେ 299 କେସ୍ରୁ ମାତ୍ର 10ଟାରେ ହବ କନଭିକ୍ସନ, ତ ଓଭିୟସ୍ଲି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଉଠିବ। ଏବଂ ଏଇଠି ବି ଆଉ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି, ଯଦି ଦକ୍ଷତା ହେଲେ ବଲାଙ୍ଗୀର, ତ ବଲାଙ୍ଗୀର ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଥିଲା, ବଲାଙ୍ଗୀର ପୋଲିସ ଏ ରାକେଟକୁ ଧରିଥିଲା, ତାହେଲେ ବଲାଙ୍ଗୀର ପୋଲିସକୁ ତଦନ୍ତ କାହିଁକି ଦିଆଗଲାନି, କ୍ରାଇମ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚକୁ କାହିଁକି ତଦନ୍ତ ଦିଆଗଲା? ମୁଁ ସେଇ କଥା କହୁଛି ଯେ ଏଠି ଦୋଷ ଆମର, ଆମର କ'ଣ ଦୋଷ ନା ସେଇଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରେସର ପକାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି ଆମେ ସିଭିଲ ସୋସାଇଟି ମେମ୍ବର, ଯେଉଁମାନେ ଅଭିଭାବକ ବି ରହିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ଇଏ ରହିଲେ, ପ୍ରେସର ପକାଉନାହାନ୍ତି, ଆମର ସେଇଭଳିଆ ୱିଲ୍ ପାୱାର ନାହିଁ। ପଲିଟିକାଲ ଯେଉଁମାନେ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ସେମାନେ କେବେ ଚାହିଁବେନି, ଏଇଟା ଏଇଟା ଏକ୍ରସ୍ ଦି ପାର୍ଟି ଲାଇନ୍, କେହି ଚାହିଁବେନି ଯେ ସତ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁ, କାହିଁକିନା ସତ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲେ କିଏ କାହାର କେଉଁଠି ଚେର ଲମ୍ବି ଥିବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣା। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିଲି ଆଗରୁ ବି ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଇଏକୁ ନେଇକି, ନିଯୁକ୍ତିକୁ ନେଇକି ବି ଆସିଥିଲା ଜାଲ ମାନେ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତାର କଥା, କିନ୍ତୁ କିଛି ହେଇଛି କି? କିଛି ହେଇନାହିଁ। ତେଣୁ ମୋର କହିବା କଥା ଏଠି ସିବିଆଇ ଆସିବା ଇଏ ବି ଗୋଟେ ଆମର ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ, ସେଥିରେ ମୁଁ କିଛି କହିବାର ନାହିଁ, ଆଉ କ୍ରାଇମ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚ ବୋଲି କହିକି ଆମେ ସିବିଆଇ ସହିତ ତାକୁ ଇଏ କରିବା ସେଇଟା ବି ଠିକ୍ ନୁହେଁ।